के बाद वीडियो बनाने का मौका मिला है, बीच में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी, इस वजह से कोई भी वीडियो आप तक नहीं आ पा रहा था। फिर दिवाली फेस्टिवल की वजह से शॉप पे काफ़ी ज़्यादा रश होने की वजह से भी वीडियो मैं नहीं कंटिन्यू कर पा रहा था दोस्तों। तो आज एक भाई के कमेंट पे स्टोमेटिक क्लस्टर की जो क्वेरी है उनकी, उसको रिजॉल्व करने की थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, एक भाई ने कमेंट किया था कि यह स्टोमेटिक क्लस्टर दिखता कैसा है टाटा पंच का। तो स्टोमेटिक क्लस्टर टाटा पंच का एडवेंचर विद रिदम पैक मॉडल मैं ओन करता हूँ, तो उसमें आपको आरपीएम मीटर एनालॉग में मिल जाता है घड़ी की शेप में, बीच में आपको थोड़ा सा डिजिटल पार्ट दिया गया है। और दोस्तों, टाटा पंच का स्पीडोमीटर भी आपको एनालॉग की शेप में दिया जाता है, यानी कि घड़ी के आकार में आपको ये देखने को मिल जाता है। बीच में डिजिटल पार्ट दिया गया है जिसमें सारी कहानी इसी के अंदर है दोस्तों। इसमें क्या है कि आपको नीचे जो बटन दिया गया है उस बटन को प्रेस करते रहना है, तो आपको इन्फॉर्मेशन इजीली आप एक्सेस कर पाएंगे। जैसे मैंने फर्स्ट टाइम बटन को प्रेस किया तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, एक ट्रिप है, ट्रिप का ऑप्शन आ रहा है आपको। अगर आप इसे लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ट्रिप को रिसेट कर सकते हैं, अगर आप सिंगल प्रेस करेंगे तो ट्रिप ए, और डबल प्रेस करेंगे ट्रिप बी आप देख पाएंगे। फिर एक बार और प्रेस करेंगे तो दोस्तों उसमें टेम्परेचर का आपको पता चलेगा कि आपकी कार के अंदर कितना ज़्यादा टेम्परेचर है। दोस्तों, अगर आपको अपनी ट्रिप सेट करनी है या आपको अपनी ट्रिप को रिसेट करना है तो आप बटन की मदद से उसको लॉन्ग प्रेस करके ये सारी चीज़ें इजीली एक्सेस कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी बात है। बट मुझे एक चीज़ इसमें अच्छी नहीं लगी, जो कि टाटा मोटर्स ने अच्छे खासे पैसे इस वेरिएंट पे लिए हैं, इस मॉडल पे ले रही है टाटा मोटर्स, बट इसमें जो है ना आपको सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर देखने को मिलता है। इतने पैसे में आपको फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर भी टाटा पंच पे अगर प्रोवाइड किया जाता तो यार गाड़ी में चार चांद लग सकते थे। तो यही एक छोटी सी इंफॉर्मेशन जो आपको देना मैं चाह रहा था अपने इस वीडियो के माध्यम से। आई होप कि उस भाई की क्वेरी भी रिजॉल्व हुई होगी जिन्होंने मुझे इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर के में ट्रिप कैसे रिसेट करते हैं ये चीज़ पूछी थी। तो कैसे सेट करते हैं और कैसे रिसेट करते हैं ये चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताई हैं। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।